क्वेश्चन फाइव, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, देन प्रूव दैट वाई वन इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई इज कम्प्लीट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है कि वाई वन क्या है हमारा, कम्प्लीट स्टैटिस्टिक। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, वट इज कम्प्लीट स्टैटिस्टिक। हेयर एक्स आई क्या है हमारा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पैरामीटर यूज हो रहा है थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दिया समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, और ये किसके इक्वल है वाई वन, दैट मीन्स वाई वन इज सिमिलर टू पॉइजन एन थीटा, दैट मीन्स वाई वन किसकी इक्वल है समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि पॉइजन की क्या होती है पीडीएफ ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, सो ये वाला यूज करेंगे, बट हमारे पास क्या है एन थीटा, तो लैम्डा की जगह पुट करेंगे एन थीटा। ई की पावर माइनस एन थीटा की पावर वाई वन, मीन्स की एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम वाई वन, y1 फैक्टोरियल, वेयर y1 इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये देखो मैंने लिखा भी था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, वेयर x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन अदरवाइज 0। लेट कर लिया म्यू यू y1 इज द फंक्शन ऑफ y1। सपोज हमने इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कंप्लीट स्टैटिस्टिक की, हम एक्सपेक्टेड को जीरो के इक्वल लेकर चलते हैं और प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आनी चाहिए वन के, या और क्या होता है यू ऑफ वाई वन किसके इक्वल आना चाहिए जीरो के। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम, दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या है यू ऑफ वाई वन इक्वल टू जीरो, देन हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी वन के इक्वल आ जाएगी, जैसे हमने डेफिनेशन में किया था समेशन वाई वन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यू ऑफ वाई वन। यहाँ पे क्या होता है फंक्शन, फंक्शन क्या है जी वन वाई वन कॉमा थीटा, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू जीरो चल रहा है, इसको ओपन कर दिया जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दिया, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा यू जीरो और ये टर्म उधर जाके जीरो, यू जीरो प्लस यू वन एन थीटा प्लस यू टू एन थीटा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इनको कंपेयर किया तो यू जीरो इक्वल टू जीरो यू वन इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, दैट मीन्स यू वाई वन कितना आ गया जीरो, यही हमारा टारगेट था। देयरफॉर जी वन वाई वन कॉमा थीटा वेयर थीटा ग्रेटर देन जीरो इज कम्प्लीट स्टैटिस्टिक, तो हमारा जो जी वन है वो क्या बन गया कंप्लीट स्टैटिस्टिक। अगर जी वन कंप्लीट बन गया तो हमारा जो वाई वन है वो भी क्या बन गया कंप्लीट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि कंप्लीट स्टैटिस्टिक के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा टफ है हमारे कंसिस्टेंट और सफिशिएंट के, क्योंकि उसमें हमने थ्योरम्स यूज करनी होती है, बस वो थोड़ा सा टफ है। सफिशियंट तो उससे भी इजी है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट ओखा है, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन पी वाली थोड़ी सी टफ है। सो बाकी जो तीन चार प्रॉपर्टीज हैं वो तो बहुत इजी हैं, जैसे अनबाइज की बहुत इजी है, सफिशियंट की इजी है, एफिशिएंसी के बहुत इजी हैं, जैसे एफिशिएंसी में बस एक एग्जांपल इम्पोर्टेंट है जो हमेशा पेपर में आती है, बस आपने यही अच्छे से कर लेनी, क्योंकि ये बहुत इजी है एफिशिएंट की, बस यही एग्जांपल आती है, और ऐसे ही सफिशिएंट की भी बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम लगानी होती है हमने, बस ऐसी कंप्लीट की क्या होती है हमने एक्सपेक्टिव को जीरो की इक्वल लेकर आना होता है और यू ऑफ वाई वन को जीरो प्रूव करना होता है, वैसे ही हमारा कंप्लीट बन जाएगा, बस थोड़ी सी टफ हमारी कंसिस्टेंट की है, तो उसको आपने ध्यान से कर लेना है। सभी डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी डेफिनेशंस में एक एक एग्जांपल या थ्योरम पक्का आएगी आपको पेपर में। इस चैप्टर में आपको 32 मार्क्स का या 48 मार्क्स का भी पेपर आ सकता है, सो इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।